इतना लोकल लोग की मिनी ताजमहल है तो गलत नहीं है। आई तो रहे हो, ये वीडियो चालू है अभी। हाय हेलो बोल दो। हेलो गाइस कैसे हो, ऐसे बोल दो। आई हेलो गाइस कैसे हो। कौन गाइस? डोरेमोन। तो अभी यहाँ पे हम आए अगली लोकेशन पे जो कि है जूनागढ़ का सकर बाग। आप बैकग्राउंड में देख लो पूरा, ठीक है। ये एकमात्र बहुत अच्छी लोकेशन है, मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ तो एक्सपीरियंस मेरे लिए भी अच्छा होने वाला है ना आपके लिए भी। मैं वैसे यूट्यूबर वैसा नहीं हूँ कि मैं वैसे वीडियो बनाता हूँ, मैं ब्लॉगर हूँ, मैं सब कुछ घूमता हूँ वो सब बनाता हूँ वैसा। तो मेरे को बना देगा क्या वीडियो? मतलब वीडियो बना देना। अच्छा ये क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो मेरे को बना दो वीडियो, मतलब कैसे? तुम्हारे साथ। हाँ तो आई तो रहे हो, ये वीडियो चालू है अभी। हाय हेलो बोल दो। हेलो गाइस कैसे हो, ऐसे बोल दो। आई हेलो गाइस कैसे हो। नाम बता दो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है बालक भाई। क्या? बालक भाई। बालक भाई, बालक ही लग रहे, बालक भाई नाम सही है। सही है, ऐसा है। ये कहाँ रखेंगे? वो अंदर रखेंगे, चलो मेरे साथ। भाई लड़का काफी स्मार्ट है इतनी एज में और अच्छा है, इसे अच्छा लग रहा है। ये कैमरे में फीचर हो रहा है, अपने वीडियो में आएगा तो अच्छा लग रहा है। चैनल का नाम मैं दे दूंगा, वीडियो देख लेना, वीडियो ये आएगा। स्टाफ रूम में तुम्हारा रख दिया है मैंने। रख दिया? और हाँ, अच्छा है, अच्छा है। थैंक यू हाँ भाई, थैंक यू भाई। हाँ अरे यूट्यूब पे देख लेना, सेंड कैसे करूँगा? अरे हाँ भेज दूंगा भाई। सही है मीन्स पूरे आधे घंटे का वीडियो में। नहीं मतलब उसको उतनी नॉलेज नहीं ना, उसको ये पता है कि वीडियो में उसका फेस आ रहा है, लेकिन वो कैसे देखेगा वो तो उसे पता है नहीं। भाई फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, हूँ लोकल यहीं का, लेकिन कभी बात हो रही थी घर में कि सक्कर बाग का जो जू है वो जूलॉजिकल पार्क वो काफ़ी अच्छा है, ये जानवर होता है वो होता है, मैंने सब देखा भी था। एक तो शेर के बारे में सब मीन्स सोशल मीडिया पर न्यूज़ में हम सारी जगह पर देखते हैं ना क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं इसका ना एक व्यू लेता हूँ यार, सिनेमेटिक काफ़ी अच्छा आएगा। गाइस डोरेमोन ये काफ़ी अच्छी है यार, कि इनका सब कुछ बता देते हैं, इनकी लाइफ स्पेन क्या होंगे, इनका आयु से क्या होगा, मीन्स 8 से 9 साल जीते और मैक्सिमम 13 से 14 साल। चलो अच्छी बात है यार। गाइस सक्कर बाग में जो भी चीज़ें देखने लायक थी, जितने भी एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, वो सारे कवर किए हमने, सब कुछ अच्छे से ट्राई किया मैंने बनाने की, एंड आई होप कि मैं बना पाया हूँगा। अब वो तो जब एडिटिंग कर रहे होंगे तब पता चलेगा, बट हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है। करके आज एक ही टाइम खाना खाया है, बट वो खाना भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आज शरीर में कुछ खाया है, क्योंकि गिरनार पर्वत पे चढ़ने के बाद जो वीकनेस फील हुई थी भाई, मैं अभी भी वही चीज़ सोच रहा हूँ कि लोग कैसे चढ़ते होंगे यार। 10,000 स्टेप चढ़ना बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है। और ये पार्क आपको कैसा लगा, यहाँ के आपको एनवायरनमेंट कैसा लगा आप बता देना। और मुझे ये चीज़ बतानी तो नहीं थी, बट यहाँ पे हम पार्क में एक जू में आए तो एक बात बताऊँ कि हम जहाँ रहते हैं जामनगर में, ठीक है, वहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू एकदम स्टार्ट होने वाला है। मीन्स ऑलमोस्ट 95% हो चुका है, जो भी बाहर के जो जानवर थे वो भी वहाँ पे आ चुके। काफ़ी सारी न्यूज़ आपने देखी होगी वैसे तो, बट वो जब भी बनेगा ना काफ़ी जल्दी बनने वाला है, जब भी बनेगा उस टाइम पे हम व्लॉग बनाएंगे, डेफिनेटली आपको दिखाएंगे। ओके तो हम बाहर आ चुके हैं, यहाँ पे आप देखो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में गेट है ना, ये एग्जिट गेट है और एंट्री गेट, दोनों अलग अलग गेट है, ठीक है। अब वहाँ पे हमें वापस जाना होगा, क्योंकि वो जो बंदा था ना सब्सक्राइबर एक मिल गया था, उसको हमने हेलमेट दिए तो उसने अपने स्टाफ रूम में रख दिए, तो बस वो हेलमेट लेने और बस निकलना है भाई, ठीक है। तो अभी के लिए व्लॉगिंग थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अब उतनी एनर्जी नहीं है कि धूप में सब कुछ हो पाए। वैसे ही आप आवाज़ के ऊपर से और ब्रीथिंग स्पीड के ऊपर से आपको थोड़ा बहुत नोट हो रहा होगा कि कितनी हद तक मैं डिहाइड्रेट हो गया हूँ। स्टिल गाइज मिलते हम। गाइज हमारे साथ तो हमेशा हर जगह यही हो रहा है, कहीं पर भी जा रहे हैं नो एंट्री। मुझे पहले ही कह दिया था एक दो लोगों ने कि वहाँ पे भी रिनोवेशन का काम चल रहा है यार, पता नहीं कितना रिनोवेशन कर रहे हैं, और उनको यही मंथ में रिनोवेशन करना है यार। यहाँ से एक अच्छा खासा व्यू लेने की ट्राई करते हैं, बाकी ठीक है अब
हर जगह काम ही चल रहा है तो अच्छी बात है ना। फिर कभी इन फ्यूचर कोई हमारे जैसा कोई ब्लॉगर कोई टूरिस्ट आएगा तो उनके लिए आसानी है, या फिर कभी हम आएंगे हम ही कवर कर जाएंगे। ठीक है, गाइस इतना शानदार मकबरा है, इतना शानदार पैलेस है ये, और टाइम पे मानो कि ताजमहल बोल सकते हैं यार, जो लोग यहाँ के बोलते हैं ना लोकल लोग की मिनी ताजमहल है, तो गलत नहीं है, वो लगता भी ताजमहल जैसा ही है। बट वो है कि हर एक जगह पे वही सीन हो रहा है कि नो एंट्री है या कुछ और है, कोई बात नहीं। बट मैंने काफ़ी शॉर्ट्स लिए जो मैं एड कर दूँगा, एंड आप बैकग्राउंड में देखो यार कितनी शानदार लोकेशन है। इमेज देखे थे गूगल पे, नेट पे सारी चीज़ें देखी थी, उनसे तो काफ़ी शानदार लोकेशन है। और ये आखिरी लोकेशन थी जूनागढ़ की, और इसी के साथ हम यहाँ पे ये वाला व्लॉग एंड करते, बट अभी नहीं, घर जाने के बाद एंड करेंगे। The next day. Good morning guys. तो आज है next day. कल हम काफी जल्दी पहुंच गए थे जूनागढ़ से द्वारिका, लेकिन फिर आते ही मैं सो गया था। कल काफी जल्दी सो गया था क्योंकि इतने दिनों से ना नींद अच्छे से हुई थी ना फिटनेस, सब कुछ एकदम बिगड़ गया था। और यहाँ पे आने के बाद भी ऐसा नहीं कि ट्रिप का असर जो था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है, जो सारी चीज़ें वो एकदम ख़राब हो गई है। अभी आईफोन के कैमरे में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, मैं सिनेमेटिक मोड के साथ दो बार मैंने इंट्रो शूट किया लेकिन हो ही नहीं रहा है, वो एकदम लेग हो रहा है, ऊपर से अपने आप ही क्लोज हो जा रहा है, कैमरे से बाहर निकाल दे रहा है मुझे। और रही बात बाइक की, तो बाइक की हालत भी इतनी ख़राब हो गई थी रास्ते में आपने देखा था, और यहाँ पे आने के बाद उसका जो हॉर्न था ना वो एकदम ख़राब हो गया है, तो उसकी भी काफ़ी सर्विस करानी होगी। बाइक को भी काफ़ी मेंटेनेंस चाहिए तो वो भी करना है। और अब आगे का प्लान क्या है, आगे का प्लान ये कि ज़्यादा से ज़्यादा एक से दो दिन में मुझे जामनगर निकलना होगा, बिकॉज कॉलेज जो है वो रेगुलर स्टार्ट हो चुका है तो लेक्चर अटेंड करने होंगे, वरना होगा ये कि जो ये सेम में हुआ है वही लास्ट सेम में होगा। अब क्या होगा वो तो मैं आके जाके आपको बताऊंगा, बट हाँ जो भी होगा आपको देखने को मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, एंड अगर आपने दीव वाला व्लॉग नहीं देखा तो पहले वो देख लो, आई बटन पे लिंक दे दूंगा, देन उसके बाद ये देखना। सो गाइस मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।